मारे को छोकरा के पकड़ ले लेता हम डरा जाइब का। वो पुलिस वाले के नाम का बा? अरे तू फिक्र मत करिया, वो हमार कुछ बिगाड़ ना पाई, समझ लेना। बोल ले का प्रॉब्लम बा? हम बोला था नहीं ना कोनो प्रॉब्लम नहीं के, मान लेके चलते बन, हम सब देख ले। सर हम तैयार बानी। वीरा और हलवा टेक द पोजीशन। समझ में नहीं क्या आवत का, चल जा। आए अपन भेजा खा जा रहा, चल जा। इतना बात समझ में नहीं क्या आवत का? अरे अरे बोली चल, अरे वीरा तू बच के ना जा सकेले, अब तो हरा के केहू ना मर जा सकेला, भागे के कोशिश मत कर। नहीं क्या मिला? आज का इंसान ये ऑफिसर नया आयल बका। होम मिनिस्टर हम बानी, हम ऑर्डर दे ले रही एनकाउंटर करे खातिर, कितना एनकाउंटर का जवाब ले के खुद के हीरो समझेला? तू लोग के नीचे ही काम करता ना तो ऊ कहे ओके बचावेला के बाऊ बदतमीज? ओकर नाम है सत्या, जिगर वाला ऑफिसर बाऊ। मर पे या सरेंडर कर पे, thank you।
खाली 50 रुपया के बुलेट उन्हें खत्म कर देती। वो छोड़ के अब कोर्ट कचहरी मुकदमा फैसला छे। सर मानी ला रोवस सुपीरियर ऑफिसर बानी, बाकी हमार उम्र रोवस ज्यादा बा। एजीपी और होम मिनिस्टर रोवस नाराज बाड़े सर। अगर वह जनती को इलाका में कितना बड़ा दहशत फैलेले बा तो ओकरा पर रहम ना करती। शिट, केकरा के इम्प्रेस करता रहा सत्या। काहे राठौर, खाली 50 रुपया के बुलेट? रउआ जेके मारल चाहत रहे वो क्रिमिनल रहे या कानून? हमने पुलिस ऑफिसर बानी या नेता लोग के किराए के गुंडा? अरे हम तक कहतानी एनकाउंटर हमने के ना काबिलियत की निशानी बा, जेके ना पकड़ सकी ना साबित कर सके ओकरा पे गोली चलावल कौन ट्रेनिंग में सिखावल गई बा? कौन कानून कहले बा कि एनकाउंटर जायज बा? मुजरिम के मार के जश्न मनावे खातिर नहीं की कहत, बाकी जे उनका के पैदा कैले बा उनका के ना छोड़े के चाहे। हर एक एनकाउंटर के आड़ में कितना पॉलिटिकल क्रिमिनल बच जाले रउआ लोग के मालूम बा ना? रविशंकर राउर सर्विस 22 साल के बा और वीरा के क्रिमिनल हिस्ट्री 25 साल के। यदि ओकरा के मारे के ही रहे तो कब मारे के रहे बताई? 10-15 साल पहले ओकरा के मार देती तो कितना लोगों का जुर्मों से तम से बच जाए। मिनिस्टर के आदमी बात सुरक्षा देवा और ना था एनकाउंटर करवा। फिर पूछा था नहीं हमने सब पुलिस ऑफिसर बानी कि नेता लोग के किराए के गुंडा बानी बताई? हम केहू के इम्प्रेस कर ना चाहिला, यदि केहू हमरा से नाराज भी बा तो हमके कोनो परवाह नहीं खे। हम गुंडा नहीं खे, पुलिस बानी। कानून ही सजा दी, भगवान ही मौत दी। कानून और भगवान एक बा, कानून और भगवान एक बा। सीमा? हाँ हाँ पापा। कहाँ जात बाड़ू बेटी? शूट करे जा रहल बानी। के बेटी? गलत काम करे वाला गुंडन के, फॉर्जरी करे वाला लुटेरन के, ड्रग्स के धंधा करे वालन अंडरवर्ल्ड के। अरे इका उल्टा पुल्टा बकतिया, टीवी चैनल पर काम करे मना कैली बाकी रवा ना मान ली। अच्छा खासा खूबसूरती पर टिप्स दिहल कर, कॉमेडी चैनल पर हसावा लोगन के, दर्शक के मनपसंद गाना पेश कर, बाकी सब छोड़ के प्राइम टाइम के काहे क्राइम टाइम बना बता रहा। ई कैमरा हमरा के द। सामाजिक दायित्व के बिना बात मत करी माँ। रुक जा इंस्पेक्टर रुक जा, हम केकर आदमी बानी जान ले बिना हाथ मत उठैया। आखिर हमने कैले ही कबानी, लड़कियन उछल उछल के खेलत रही, आह देखे में मजा आवत रही, यही से खड़ा हो गई ली। ये कौनो गुनाह बा? गुनाह बा बताना हमरा के। हाँ गुनाह बा, खेले वाली लड़कियन के छेड़ल गुनाह बा। जब इंटरनेशनल गेम में लड़कियन के मेडल न मिले ला तो तू ही लोग को सिला ना। गरीब लड़की लोग कहाँ जाके प्रैक्टिस करिए? खेल के नजरिया से देखा, गलत मानसिकता से ना। Thank you.
खेलना साथ समझ के रख ले बाड़ा तू लो लड़की रोके छेड़ बा का समझ ताड़ा क्यों बोले वाला नहीं खे पकड़ा पकड़ा सबके चला पकड़ा। आज अचानक माननीय मुख्यमंत्री के तबियत खराब हो गई जेकरा कारण जनता में बड़ तनाव फैल गई बा। अब तनिके देर में उनका ही हॉस्पिटल में एडमिट कर जाई। उनका इलाज खातिर सभी एक्सपर्ट और डॉक्टर यहाँ तैयार खड़ा बाड़े। ई खबर मिलत की राज्य के चारों ओर से सैकड़ों लोग यहाँ जमा हो गए बाड़े। लीलावती अस्पताल से सुनील चौधरी के साथ हम राकेश सिन्हा एनडीटीवी मुंबई। सबके प्रणाम। मुख्यमंत्री के सुरक्षा के सब इंतजाम हो गए बा ना? शांत रही हम कुछ न जानी ला। जैसे ही फोन आई हम चला ली बस बस अंदर जाके देखला के बाद हम कुछ बता पाए। प्लीज शांत हो जाए रहुआ सब शांत हो जाए। सुनी लोग आप लोग इत्मीनान रखी दोहराए के कोनो बात नहीं खे मुख्यमंत्री की कुछ ना हुई। आई भाई साहब भाई मुख्यमंत्री जी का तबियत बिगड़ गए सबसे पहले हमके खबर मिलल। हम वक्त पे आके पूरा इंतजाम कर देले बनी। नमस्ते मुख्यमंत्री जी कहाँ बाड़ा आईसीयू में या अभी तक नहीं की आई एडमिट नहीं की भाई। अरे आगे नहीं आगे 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 चल चल कवरेज कर आगे नहीं देखी मुख्यमंत्री जी मंत्री जी आगे आगे मंत्री जी ये रहुआ के कहाँ हो गई मुख्यमंत्री जी कहाँ हो गई रहुआ के जल्दी लाइए देखो चल हट हट संभाल के आराम से ले चलो लो रहुआ का कुछ हो ना होई मंत्री जी भगवान ना करे रहुआ के कुछ हो गए तो हमनी अनाथ हो जाए। शांत हो जाए शांत हो जाए शांत हो जाए मुख्यमंत्री जी के कुछ ना होई फिक्र करे के कोनो जरूरत नहीं है। देखी डॉक्टर लोग आराम करेगा सलाह दे ले बालो। अचानक कैसन हमरो के बहुत आश्चर्य भई रहुआ सब तो जाने ली हम सीएम की बेटी जैसन बानी। कल रात के हम उनकरे घर पर रही कल हम उनका से कहली कि रवा तनी आराम काहे नहीं ठीक कर ले तब वो कहले पहले तू काम संभाला तब हम आराम करब और इतने में ही सीएम के का भइल बा। हमार विश्वास करी मुख्यमंत्री जी के कुछ ना होई वो जल्दी से ठीक हो जाई है। उनका के हमेशा जनता के ही फिकर रहेला। दो दिन पहले हमरा के अपन पास बुलौले राज्य के भलाई खातिर का करे के बा अगला चुनाव में हमनी के पार्टी के जीते के खातिर हमरा के का करे के बा ई सब कहले। ई सब हमरा कहे से अच्छा होई कि तबीयत ठीक होला पर वो खुदे रउआ लोगन से कहिए। तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री रउआ रहब। एक मुख्यमंत्री और केहू ना दूसर कोनो गुंजाइश नहीं खे दया करके रउआ जाए। एपीए जी गिरी के फोन लगा जी। कार्य एडिटर सरकार के खिलाफ गलत लिखे के कहानी तो हमरे खिलाफ लिख दे ले एकर सजा तोरा के जरूर मिली।
बोली नहीं था जी। हाँ हम आवत नहीं। देख ले ले गिरी, पिछला 30 साल से सीएम खाली हमरा से मिलत रहले, हर मसला हमरे से डिस्कस करत रहले, इतने ना जाति मामला में भी हमरे से राय पूछत रहले। अगला सीएम हम ही बनब ई पूरा पार्टी माने लागल बिया। हम हूँ मान ले ले, बाकी अब हालात बदल चुकल बा। मिनिस्टर मदन प्रकाश, हम ही मुख्यमंत्री बनब। मिनिस्टर चंद्रमती मंत्री पुनीत राज तीनों के आंख में सीएम के सपना हम देख ली। वो आपन आपन ग्रुप बना के सीएम बने के प्लान बनावत बाड़े। ऐसे सीएम के मरला के बाद पदवी खातिर आपस में लड़के ई तीनों के जान से मार के हमरा सीएम बने से बेहतर बा सीएम के जियत रहते ही। सबके जाने के जैसन होला, मार पड़ते पल भर में निकल जाला। तू एकदम फिकर मत कर नेताजी, अगला सीएम तू ही बनबा। गिरी, जिन करा तू मारे जात बाड़ा वो आम आदमी नहीं खन। पदवी में रहे वाला मंत्री बाड़े तीनों, ई काम तू मत करी हा, बाहर वाला से करावा। आज रोमांटिक मूड में बनी, फिर मत कहिए कि सूते जात बनी। अभी आओ तानी जाने मन। हेलो, का कहला मौत हो गई मिनिस्टर मदन प्रकाश के? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गाड़ी पार्क करा। प्रेस वाला इनका हटावा। हटा हटा चला। फॉरेंसिक वाला आगे ले। चला चला आगे बढ़ा। ए सुना तेरे का। चला हटा हटा। हटा नहीं देत का। चला हटा। हटा लोग चला चला। ये छेद से पता चलेला किलर रॉकेट लॉन्चर के इस्तेमाल कर ले बा। या दैट्स राइट एक्चुअली। वो कहां से निशाना लगाउले होके?
मजाक करता नहीं रुवा लोग। मारे वाला कोई आम आदमी ना रहे, मंत्री रहले। मीडिया मजाक उड़ा रहल बा, कहूँ जवाब दी उनका के। घर पे चार पुलिस वाला, ऑफिस में चार पुलिस वाला, कार के आगे पीछे पायलट सिक्योरिटी अलग से। 24 घंटा पुलिस वाले जान पे खेल के उनका हिफाजत करेलन। तई मिनिस्टर अकेले मारे कहे चल गए। मिस्टर सत्या, मंत्री जी अकेले काहे गईले, कहाँ गईले, कैसे गईले, ई सब रवो जानी ले और हम हूँ जानी ले। वो सब छोड़ा, हमनी के एक बात जाने के बा, कातिल के बा और खून के मकसद। आखिरी कत्ल के मकसद का बा, जाति दुश्मनी या राजनीति? ऐसे हर एंगल से जांच करतानी सर। कत्ल कोनो गिरोह न कैलस, कातिल अकेला रहल। फुटप्रिंट से साफ जाहिर होला कि कातिल ना शराब पीले रहे और ना लड़खड़ात रहे। रेलवे स्टेशन जौन अंडर कंस्ट्रक्शन बा, वहां से निशाना लगौलस। मिनिस्टर उ बखत वहां से गुजरिए और अकेले गुजरिए, यू अच्छा तरह से जानत रहे। कातिल उनका पे नजर रखे रहे कई दिन से, उनके रखेल के घर जाए तक। सर, इट्स अ प्री प्लान मर्डर। कतल खातिर उपयोग में लाई गई वेपन मिनी रॉकेट लॉन्चर, ये आमतौर पर केहू के ना मिलेला। तब कातिलो आम आदमी नहीं खे। बाकी एक बात के यकीन बा, और वो बात ये बा कि कातिल हमने के शहर में बा, पब्लिक के बीच खुलेआम घूम रहा बा। संभार के भाई, संभार के। हेलो सत्या। हेलो डॉक्टर। कैसन बनी बहन जी, अब तो चले लागल बनी। हम कहा चलता नहीं डॉक्टर, हमार बेटा हमरा के चला रहल बा। आओ सीमा, घर से खाना ले आई बड़ी। देर काहे हो गई बेटी? पंचर। गाड़ी। ओ आई आई, अब और बेटा कैसन बा? तबियत ठीक बा डॉक्टर साहब, बाकी पलंग पर पेशाब की आदत अब ले नहीं के छूटा। कोनो बात नहीं खे, ये सब तो आम बात बा। हमार बेटी के देखी ना, 8 साल के उम्र तक बिस्तर गीला करत रहे। इज्जत के कछु बात बा, एकरा से तो तू ही अच्छा बाड़े बेटा। ठीक बा डॉक्टर, अब हमने की इजाजत दी। चलो तनी डॉक्टर। ठीक बा। चुप कर, हंस ताड़ा, हंस ला, चुप कर हसम। रघुई का कहली, वो हमार दुश्मन के सामने हमरा के वैसा ही ओकरा से चिढ़बा। सीमा, हम तो सोचले भी ना रहे कि उकर माई अपन पैर पर चली हैं। उनकर पूरा जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजरे वाला रहे, उनका चले के काबिल बना देलस। आज के समय में अपन माई बाप के सेवा करे वाला लड़का ऐसा नाउर कहाँ मिली है। अब बेटा सत्या, सीमा के तनी घर तक ड्रॉप कर देबा। हाँ ठीक बा। चुप कर। अरे पकड़ा पकड़ा। अरे अरे हाँ हाँ पकड़ा। बाल बाल बाल। अरे पकड़ा पकड़ा। नाना हल्ला दी। अरे हाँ। नाने पहुँच था ना? नाना नाना हम रख के दो। हाय अंकल। ओह हमार बैग। संभाल के भाई, धीरे से। रुकी तनी, हम पहनावा तनी। ले तो हर बैग। थैंक यू आंटी। भाई संभाल के भाई। हमनी के माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अस्पताल में बानी, वहाँ के सुस्वास्थ्य के कामना खातिर और जनता के कल्याण के उद्देश्य से हमनी के माननीय महिला कल्याण मंत्री श्रीमती चंद्रा देवी के हाथों आयोजित ई महायज्ञ में भाग लेवे आयल तमाम लोगन के, खास करके सदस्य के, बच्चा लोगन के, स्त्री वर्ग के और बुजुर्ग लोगन के हमनी के हार्दिक स्वागत करत बानी सन। ई महायज्ञ के दूसरा चरण में होखे वाली महापूजा में हमनी के माननीय चंद्रमती देवी अपना कर कमल से ई मूर्ति के कुंभाभिषेक करे वाला बानी। मंत्री चंद्रमती जी आ रहल बानी। मंत्री चंद्रमती जी, 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 मंत्री चंद्रमती जी,
शाबाश गिरी, कमाल कर देला तू। आज हम बहुत खुश बानी। बाकी हम खुश नहीं की नेताजी। काहे? मरे वाला दोनों मंत्रियन के हम खून नहीं की केले। तोरा कहे के मुताबिक बाहर से लेकर के ले आके प्लान बनावली, पूरा तैयारी कैली। बाकी मारे वाला हमारा आदमी नहीं के मंत्री जी। रउआ जैसन सीएम के पोस्ट पर कई और भी निशाना साधले होखे। और हो सकेला वो आपन रुकावट बने वाला के आपन रास्ते से हटावे के चाहत हुई। जैसे ही काम रउआ ग्री के सौंपली वैसे ही अकेहू और के सौंपले हुई। सीएम पोस्ट के चाहे वाला एगो रउआ और मदन प्रकाश, चंद्रमती और एपोज्ड पुडित राज। एहमे मदन प्रकाश और चंद्रमती के किस्सा खत्म। का ऐसा ना हो सकेला कि ई पुडित राज के प्लान होखे? सपोज अगर ई सच भइल। आई एम सॉरी टू से दिस सर, ओकर नेक्स्ट टारगेट रउआ हुई। पुडित राज हमार कबर खोद रहल बा। पुनीत राज के मरे होखी। हाँ, बाकी ओकरा से पहले हमने के कातिल के पता लगावे के होखी। नाता रउआ पुनीत राज के मारब ओकरा से पहले वो रउआ के मार दी। ए गिरी, अपन आचार्य के कहना एकदम सही बा। वो कातिल के पता लगावे के होई। यूपी वाला बा, बिहारी हा, दिल्ली वाला बा या बांग्लादेशी बा, कोना के बुलाव पर यहाँ आइल बा और ई मर्डरन खातिर केतना के सुपारी ले ले बा, ई पता लगावे होई। उहो फौरन। रउआ होम मिनिस्टर बानी, राउर हाथ में तो डिपार्टमेंट बा। हाँ, सरकार चलावे वालन के जान के कोनो हिफाजत नहीं के, का करत आला तू लोग? हमने के पूरा कोशिश में बानी जाए सर। अरे हमार भगवान, काहे हमार बीपी बढ़ात बड़ा? तू लोग का कोशिश कर रहा था सीएम हमरा से पूछ रहा बड़े? ना सर, जितना जल्दी हो सके। मुंह बंद रखा अपन। तू यहाँ के होम मिनिस्टर से बात कर रहा था केहू मीडिया वालन से ना? अगर केहू हमरा के उड़ा देलस
तो पार्टी के झंडा उड़ा के टोपी उतार के हमरा के बंदूक के सलामी दे के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करके हाथ झाड़ के चलते बना तू लोग। देखा 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 वो एसीपी बाना अगर ओके हम कोनो आर्डर दे ली तो जोश में आके रोक देला और कुछ करके तो दम नहीं खे। सर हमारा ख्याल से है मैं सर तू चुप रहा यार वो एसीपी कुछ कहे चाहे ला ना तू बोला बोला बोला। ये जो दोनों मर्डर भइल बा ये पॉलिटिकल मर्डर हो सकेला साहब। तहार शक के कोनो वजह सर मरे वाला दोनों मंत्री अगला सीएम पोस्ट के दावेदार रहले इतना रहुए के पता बा ते ही कतल हुए कहले हो कि जेकरा की बात पसंद नहीं के ता ये एंगल से देखल जा तब मंत्री कातल के निशाना बाई जाहिर होला। एक ध्यान में रखे काम करी था कातल के पकड़ सकेली बाकी राव स्पेशल परमिशन के बिना दूसर मंत्रियों से पूछताछ कैल मुमकिन नहीं के। पूछताछ करा भाई करा जेकरा पर तोहरा के शक बा उ सबके तू पकड़ ला यकीन हो जाए कि वह बा अच्छा तरह से मरम्मत करा। यस सर। एसी में भी पसीना निकाल दिलस वो एसीपी ई केस ओकरा हवाले कर दा। सर ई मौका है वारदात पर मिलल के जाना ना तो एरिया के हा, ना ही शहर के पुलिस के ही चकमा देता हूं। चकमा दे सकेला बाकी बच ना पाई। फिलहाल तो तोहरा खातिर एक गो रख वाला ऊपर वाला अल्लाह ताला सब कुछ पुलिस ही बा। पुलिस वालन जाके इंक्वायरी करे के बजाय ओकरी से मुंह तोड़ जवाब पूछे के बजाय हमनी के पीछे पड़ गेल बड़ल तू लोग। हमनी के हुकूमत चले लाई जाने लेना तू हमनी के सामने तुम्हारी चालाकी ना चली। अगर तू हमरा पर हाथ उठेल ना तो सारा शहर में दंगा फसाद फैल जाई। देखे चाहता तू दिखाई हमका अरेस्ट हिम इज्जत के नाश करला तोरा कब ना छोड़ब तू जा। ठीक बस सर। गुड जॉब मान गई ली। अगर हम कब तारा खातिर गई ली तो थोड़े मानी मानी ला हा? तारा में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बा हम मानी ला चला। तनी हमार हाथ दबा दबा ना का बा माई दबा ना बेटा। ठीक बा सत्या। एकरा से पहले जब वो तो हमार हाथ पकड़ के चलात रहे तब तोहार पकड़ सरकत रहे दर्द होत रहे बाकी अब दर्द नहीं खे जैसे कि वो बच्चा पकड़ के रख ले होके। बड़ बुड़ ई कहले जब दिल में केहू लईकी बस जाली तो तन बदन मधुर हो जाला। का का ताड़ू माई देख बेटा तेरा साथे जे भी हुई अच्छे हुई जब भी ओके दिखावल चाह दिखा दिया जब तोहार मन करे शादी कर लिया।
हाँ, ये बात रवा लोग जानेला कि बड़े से बड़ा अपराधी भी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ेला। लेकिन सर, ए मर्डर में हमनी के अभी तक कोनो एविडेंस नहीं मिलल। जी मिलल बा, ओकरा के एविडेंस काहे ना समझे। मर्डर स्पॉट से मिलल टिकट बांद्रा स्टेशन से निकालल गइल बा। यही से जोन मुजरिम के हम ढूंढत आने वो बांद्रा में होके के चाहिए। रेलवे स्टेशन पे तो टिकट पड़ले मिलेला सर। वो तो सही बात, बाकी वो रेलवे स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन बा और सिरिंज हो सकेला वो किलर इस्तेमाल कैले होके। दोनों मर्डर स्पॉट से हमने के मिलल बा कॉमन एविडेंस। सारी सिरिंज से हमरा के का हासिल होई? इंसुलिन सिरिंज बा, जे खाली शुगर के मरीज यूज करेला। हो सकेला जेकरा के हमने ढूंढत आने वो शुगर पेशेंट होके। एक चाय दिया बिना शक्कर के। वो जरूर दवाई के दुकान में जाए। पक्का नहीं है कि बांद्रा में होके, बाकी हो भी सकेला। पूरा शहर में ध्यान लगावे की जगह काहे ना हमने खाली बांद्रा में दिमाग लगाए। बांद्रा के दवाई के हर दुकान पर अपन पुलिस वालन के भेजी। वहाँ के इंसुलिन खरीदेला, एकर पूरा डिटेल हमरा के चाहिए, इंक्लूडिंग होम डिलीवरी। और 40-45 के उम्र के लोगन पर खास ध्यान रखिया। मर्डर स्पॉट पे मिलल वायर हैदराबाद भेज देले बानी। डिटेल आती हमरा के खबर करा। पब्लिक के रोज के जिंदगी में आवे वाला केबल टीवी ऑपरेटर, गैस सिलेंडर सप्लाई करे वाला, वाटर सप्लाई करे वाला, पेपर वाला, दूध वाला, नौकर चाकर, इंक्लूडिंग सेल्समैन, केहू के मत छोड़िया। सबसे पूछताछ करा। होटल लॉजेज मेंशन कोनो जगह मिस कईले बिना सबसे पूछताछ करा। कोनो पर भी तनिको शक होके तो तुरंत गिरफ्तार करला। रियल एस्टेट वाला वो हाउस ब्रोकर से मिलके पिछला 2 महीना में कौन कहां कहां घर ले लेबा उका लिस्ट बनावा। सर पूरा शहर में अलर्ट बा, बाकी कातिल अभी ले कोनो मूव नहीं है कैले। सर तहकीकात में कोनो इम्प्रूवमेंट नहीं है भेल सर। अपराधी कोनो मूव ना कैले बा, ये हमनी के इम्प्रूवमेंट बा, फिकर मत करी। अक्सर एक्शन मामला में एक दरवाजा बंद हो जाला तो दूसरा खुल जाला। सर बोले, वेल के फाइल कोर्ट के रिजल्ट हैदराबाद से आ गइल बा। एवरीथिंग इज परफेक्ट, बस एक ही फर्क बा, जौना दुकान से बेचल गइल वो बांद्रा में ना अंधेरी में बा। एक्सक्यूज मी पुलिस। नमस्ते साहब। ये कोड नंबर के दवा केकरा के बेचल गए बता सके? ई वाला। हाँ साहब, हम ही एक बेचले बानी। रेगुलर ले वाले ढेरे लोग बाड़न, ज्यादातर लोग के होम डिलीवरी देवेली। और होम डिलीवरी के अलावा यहाँ के कुछ खरीदे वाला लोगन के पता डिटेल कुछ बता सके? हाँ देख के बताओ। जो लोग 40-45 जो पास वाले फ्लैट में रहे ना, उनका घर तू जाने ला? जाने ले साहब, चौक वाली गली में रहे ले। वो एगो नेक इंसान है साहब, सुने मेले को समाज सेवा भी करेला। कौन एरिया बा? लिंक रोड चौथा गली। चौथा गली, चला हमरा साथ। वाला फ्लैट
हम पुलिस वाला बानी, मिनिस्टर की जान खतरा में बा, तुरंत बचाने की होगी। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह पकड़ लो सबके, खाल खींच ले। कानून सजा दी, भगवान मौत दी, कानून और भगवान दोनों एक के बाड़। सत्या बेटा, स्कूल के टाइम हो गए, उठ जा बेटा। सुनी, रवा के उठा दी ना। तू तो हमरा के दरवाही चला। अरे सामने से हटी ना पापा। बाय मासी। बाय बिटुआ। ले बेटा, ठीक बा पापा।
ठीक से पढ़िया। बाय। जिगर वाला बाड़ा मानीला, तहसीलदार होवे के इतना घमंड, नदी से रेत निकाले से मना कई ले तू, बच्चन बतावत रहले। अरे तू लो समझत कहीं नहीं का, मुसीबत बोल क्या वेले का, नदी में से बालू निकलबा तो गांव में बाढ़ आई। जे देतानी ओके ले ले, ना ता आंख बंद करके बैठा, आजे हम रेत निकालने वाला बानी, जे करे के बा कर ले। ए, रेत में अगर कुदाल डलला तो खुद के जेल में पाइबा तू। चल जे। मैम साहब का बात बा? हमार मालिक के पापा! रेत माफिया वाले जान से मार दे ले। मैम साहब का हो गेल रवा के अरे करो बा बेचारी पति के खोए के सपने से एक ही लकवा मार गई। ईमानदारी से जिए वाला इन्हें एक इंसान के बड़ बहरे में से मार देने जालिम लोग। तहसीलदार के मारे वाला के हमने के नाय छोड़म सर। हां चला सब लोग चला 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 सब लोग चला बिल्कुल। धोनी जीजा के बचावे खातिर इंस्पेक्टर साला आइल बा। पहले करे के खत्म कर लो। हे मार मार के अंदर कर दे। हम बानी इंस्पेक्टर प्रताप सिंह कहां निकल पड़ला। अरे का कर रहा था। नहीं साले साहब, हम तो हर भानो ही हैं। प्रताप चिल्लावा मत, ये तो हर घर ना पुलिस स्टेशन बा। तोहार बच्चा के देह पर तनिको खरोचो आ जाए तो कैसे तड़पे लू। खून के एगो बूंद देख के छटपटाए लागे लू। तहसीलदार की फावड़ा से खून कर देलस। खोपड़ी फट के आंख बाहर भेजा बाहर। शेट कितना ईमानदार रहे पता बा। उ हालत में उके देख के उकर बीवी उकर बच्चा कितना बिलक बिलक के रोले हुई है। इस सुनत ही केहू के भी रोंगटा खड़ा हो जाला। एकरा ऊपर का गुजरल हुई जब 12 साल के उम्र में ही मारल निकल पड़ल। हथियार नीचे डाला। हथियार उठा के योद्धा बन जाए बका। खाल खींच ले। विश्वास रखे के हुई। भगवान के जैसन कानूनों पर विश्वास रखा, हमरा जैसन पुलिसों पर। ओकर के मारला से मरे वाला लौट आई। ए एनिया तहार बाप लौट आई। पल भर के जुनून में खाली जाने न जाला। तोहार जिंदगी, तोहार इंसानियत और तोहार बाप के जे तहरा पर विश्वास बा सब चल जाई। कानून सजा दी, भगवान मौत दी। कानून और भगवान दोनों एक्के बाड़न। समझ गईला? जी के दिखा दुनिया के, बाप के लेखा ईमानदार बन के दिखा। जा जाके अपन माई के ख्याल रखा। एक खूनी के खबर हम लेब। बाबूजी, परिवार के केहू एक सदस्य के कुछ हो जाए तो सौसे परिवार दुखी हो जाला ना। ठीक वैसा ही पुलिस के परिवार के भी एकजुट होके विश्वासमयी रहे के पड़ेला। काहे कि कानून और भगवान दोनों एक के बाड़न। पागल बा सर, पागलन लेखा ही हमरा के गिरफ्तार कर लेलस। प्रताप सिंह एक्स पुलिसमैन, नासिक में 3 साल, पुणे में 3 साल, कोल्हापुर में 4 साल, औरंगाबाद में 5 साल, सीएम से अवार्ड, पीएम से रिवॉर्ड। अपन 15 साल के नौकरी में बिना केहू दाग के ईमानदारी से फर्ज निभाए वाला पुलिस ऑफिसर बानी हम। और हमके तो नौकरी का है छोड़नी, यह पूछल चाहता। हाँ हम छोड़ दे रही। सूद के उठा तो गुनाहगार के चेहरा देखे के पड़त रहे। चोरन के घर में ईमानदारी से ड्यूटी निभावा। खून डकैती बलात्कारी सबके सामना करे के पड़त रहे। ये सब देख देख के हमार दिमाग सुन्न हो गई। अच्छा ना लगल हमरा के, कुछ अच्छा ना लगल। खाकी से तब बेहद प्यार रहे, बाकी हथियारन से हमरा के नफरत होए लागल। अच्छा लोग के भी शक के नजर से देखे वाला पुलिस के रवैया हमरा के अच्छा ना लागल।
लेकिन मौका वारदात पे था। मौका वारदात पे हम कैसे पहुँचली यहे पूछल चाहे लेना। यहे तो हमरो के पूछे के बा मौका वारदात पर हम कैसे पहुँचली। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कैलस हम ना जानी ला। फ्लाइट टिकट लिस्ट में का हमार नाम रहे या हमार जेब से पुलिस बोर्डिंग पास निकललस। एयरपोर्ट पर कितना मुसाफिर घूमत हुई है उनकरा में से केहू एक भी हम ही खूनी बानी शिनाख्त कैले बका ना कहले ना। वहां पर केहू केहू के मार डललस ऐसा में का करे के चाहिए। नंबर एक वहां पूछताछ करे के चाहिए। दो फिंगरप्रिंट्स लेवे के चाहत रहे। तीन वहां चौक पीस से मार्क करे के चाहत रहे। चार पुलिस डॉग बुला के उनका के छोड़ देवे के चाहत रहे। जवन खूनी के ही ना पकड़ने कम से कम तो पकड़तन। पैदल मंदिर जाए वाला के पकड़ के जबरदस्ती हथकड़ी पहनौला से ऊ खूनी बन जाएगा। जज साहब काला कोट पहने वाला वकील के जबरदस्ती कटघरा में खड़ा करके उनका से उल्टा सीधा सवाल करवा था उनका के कैसन लगी। दिल बहुते दुखेला साहब। मुलजिम प्रताप सिंह पर लगे इल्जामों को साबित कर पाने में सरकारी वकील नाकाम रहे हैं। सिर्फ मौका है वारदात पर मुलजिम की मौजूदगी से ही उसे मुलजिम करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा यह अदालत मुलजिम प्रताप सिंह को जमानत पर छोड़ने की इजाजत देती है। जमानत काहे खातिर? काहे खातिर ये जमानत? सॉरी सर, ये जमानत काहे खातिर? रहे दी सर, तहकीकात में सहयोग दबुल है। भोरे दस्तखत, सांस के दस्तखत। बाहर जाए के बाद तो कब जाए के बाद, कहां जाए के बाद, कैसे जाए के बाद, ऐसे हजारन सवाल जवाब हुई है। ये जमानत काहे खातिर? 15 साल के सर्विस में जे हम नाम कमेले रही वो 15 मिनट में माटी में मिला दे। रिमांड में डाली सर, 14 दिन के रिमांड में डाली। हुकुम दे कि पुलिस पूरा छानबीन करे। निर्दोष है तो बाहर भेजी, दोषी बानी तो अंदर डाली। जहां तक मुकदमे का ताल्लुक है मुलजिम प्रताप सिंह को यह जमानत कबूल नहीं है, इसलिए उन्हें 14 दिन के रिमांड पर भेजकर तफ्तीश को जारी रखने का ये अदालत हुक्म देती है। आवा सत्या, आवा। शहर में कितना पुलिस स्टेशन, कितना पुलिस वाला बाड़न। काउमा से एको हमरा के छू पहले छुए वाला के राख बनाए वाला ज्वालामुखी भाई प्रताप सिंह। समझला असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जानीला, कानून सजा दी, भगवान मौत दी, इरौरे शब्द बा हम भुला ना सकली कबो। अरे रउआ के देखे के बादे पुलिस ऑफिसर बने के तमन्ना हमरा में जागल रहे। पुलिस ऑफिसर बने के? पुलिस ऑफिसर बनके का उखाड़ लेला तू? केहू के बाल भी बाका ना कर पेले तू। अरे इनकरा हाथ तक कानून मर गई और भगवानों मर गई। हे आईपीएस, एको बात बोलता नहीं सुना। तू जे खून होकर देखला वो हम ही कहले रही, और दूसर जे दोनों मंत्रिन के खून भई लोकरो हम ही मरली। आखिर का कहला तू? या तो हार्ट डिपार्टमेंट ताज्जुब होगा था ना असिस्टेंट कमिश्नर, बाकी हमरा के खुशी होगा था। बस करा, ये जुनून काहे खातिर तू कहत रहला का रोब रहे तहरा में। हमार बाबूजी के मौत के बाद उनकर से ज्यादा हम तहरा के याद करत रहे। पैसा खातिर खून करे वाला के माफ कहीं जा सकेला। पुलिस वाला होके मंत्री के खून करके खुशी मनावा ताला। ए बस कर, मंत्री कैसन मंत्री? आपन सर्विस में हम कितना मुजरिम के देखले बानी, चोर डकैत बलात्कारी कितना के अंदर डाले बानी। हमरा केहू के परवाह नहीं खे। बेस्या बेस्या बन रहती तो हमरा के कोनो एतराज ना होई। बाकी उस साली महिला कल्याण मंत्री बन गई काहे? चौंक गए ना। 1990 में लोखंडवाला में 40 लड़कियन के रख के धंधा करे वाली चंदा भाई अचानक मंत्री चंद्रमती बन गई। ओकरा हाथे मंदिर में कुंभाभिषेक करावले, अब भगवान के बचाई, कहां चाहिए भगवान। कितना बेर हमो के अदालत में पेश कैली, बाकी हर बेर ओकरा के बरी कर दिहल गई। रत्नागिरी में देसी दारू के भट्टी चलाए वाला मदन कालिया शिक्षा मंत्री बन गई।
ओकरा कारण पूरा मंत्रालय में ठर्रा के बदबू फैल गई। नाम रख लेलस मदन प्रकाश और इनका नीचे हमनी के बच्चा पढ़ाई करी है हा? देवी सरस्वती के दुख ना भइल बाकी हमरा के दुख भइल। उड़ा दहली कमीना के चारों तरफ ओकरा टुकड़ा बिखर गई। हे मार दहली तड़पा तड़पा के मारली मंत्री पुनीत राज के। हे सत्या जौन कानून से मुजरिमन के सजा मिले के चाहे वो आज मर गई बा और मरल कानून के हिफाजत करे खातिर हमी खाकी वर्दी पहनी उतार दहली। बिना ताकत के वर्दी के हम उतार के फेंक दहली। जगरा हम पकड़ ली देश पर हुकूमत करे देख के खून न खौली पुलिस के आन के ठेस न पहुंची। हे सत्या हम अभी जो करतानी वो योगो हमार ड्यूटी बा। एनकाउंटर पॉलिटिशियंस एनकाउंटर न कमीशन न इंक्वायरी सीधा पनिशमेंट। खून करके सफाई दे रहा बड़ा गुनाह करे वालन के हथकड़ी पहना के सजा दिलावे में नाकाम रह के नौकरी छोड़ के भागे वाला तरह के बात करे के कौन हक नहीं खे। तू एगो हरला पुलिस वाला बड़ा हरल पुलिस वाला हरल पुलिस वाला। हाँ सत्या हमार माई बाप के बीचे रोड पर बेरहमी से मार के फेंकला पापी सुचली कानून हमरा साथ इंसाफ करी। हाँ हम हारल पुलिस वाला बानी। हमार बीवी बच्चा के जला के राख कर देलसु जलाल लोग तबो हम कानून के खुदा समझली। हाँ हम हारल पुलिस वाला बानी साचो हारल पुलिस वाला बानी हम। हे पुलिस वाला हार सकेला बाकी प्रताप ना हारी। हम संहार मूर्ति बानी। ये हमार जुनून नहीं खे ये हमार तड़पत दिल के आवाज बा। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ना समझला खोपड़ी में बात ना आइल समझे के बात लड़के देखा। जे कंप्लेन आवेला ओकरे पे कार्रवाई करबा तो आज पूरा डिपार्टमेंट एकजुट होके सैल्यूट मारेला ना जे में तुहू शामिल बाड़ा। ओ होम मिनिस्टर छगन यादव के वो कितना बड़ कमीना बा पतावा तू ओकरा पर एक्शन ले सकेला। वो आचार्य और गिरीश नाम के दो क्रिमिनल पर हाथ रख के 15 साल से पूरा शहर में दहशत फैला रख लेबा उनकरा पर कोनो कार्रवाई कर पाइबा बोला कर पाइबा। कहां गइल दोहार कानून और भगवान हम टपका के रहब छगन यादव और ओकर गुंडन के टपका के रहब। ए टपका देवे के बात करत रहा कितना के टपकाइबा नया नया नेता लोग आवत रही है तो आवे दा जितना भी आई है सबके टपकाई हर केहू तेरा जैसन करी तही देश कब्रिस्तान बन जाए। ऐसे बोला थाड़ा जैसे ही अभी कब्रिस्तान नहीं खे कानून चुप ना रही। ए बेकार में कानून के रटना लगा उनका पकड़ के दिखा। पकड़ के दिखाई ए 6 साल ना 6 महीना ना कम से कम 14 दिन के रिमांड में डाल के दिखा। डाल के दिखाई अब एक का खाक डालबे आफ्टर ऑल न्यूसेंस केस में भी ना डाल पाइबे। हम डाल के दिखाई नामुमकिन बा मुमकिन बा नामुमकिन बा मुमकिन बा नामुमकिन दिखाई। यहाँ कानून और भगवान दोनों मर गए बाड़ा। कानून और भगवान कबो ना मर सकेले हम साबित करके दिखाई दिखा दे। अरे गुनाह करे वाला पे एफआईआर दर्ज करी ला हम। हमरे जैसे ने बातू यही से तू लोग के चुलने बाने योगो अलग तरह के खेला बा। हम एक्शन लेवे जा रहा हलवानी छगन यादव पर। कौन सर हमनी के होम मिनिस्टर। एग्जैक्टली क्यों गईला छगन यादव आज पूरा देश के ला के रख देले बात ओकर कारण बा ओकर साथ देवे वाला दो आदमी एगो गिरी और दूसर आचार्य। बुनियाद के एक एक पत्थर निकालला से जैसे पूरा इमारत गिर के मिट्टी में मिल जाला वैसे एक एक करके निकाला और ओकरा के मारते हम। पहले गिरी गिरी 13 साल पहले इंक्वायरी खातिर गए पुलिस ऑफिसर के सरे आम जान से मार दे ले रहे अपना आप के खतरे से बचावे खातिर खून कैल बाकी ओकरा बाद दूसरन के डरावे खातिर खून कैला। मंत्री छगन यादव के पनाह में आइला के बाद खाली ओकरे खातिर खून करे लागल सब के सब पॉलिटिकल मर्डर। डिपार्टमेंट का हुकला के बाद भी हमने के छगन यादव से मिले के बाद तो अपॉइंटमेंट लेवे के पड़ेला बाकी गिरी खातिर ऐसा नहीं खेर नेताजी के फोन करके जब चाहे मिले खातिर जा सकेला। सुने में आयल बा कि गिरी हीरोइन कोकीन जैसन ड्रग्स के धंधा भी करेला। तू सर आचार्य छगन खातिर गिरी बाया हाथ बा आचार्य दाहिना हाथ बा छगन के बेनामी शहर में आचार्य के नाम पे जितना भी नाइट क्लब और जुआ खाना बा सबके मालिक छगन बा। थैंक यू। हर वीआईपी में जोन वीक पॉइंट होखेला ओकर भरपूर फायदा उठाए लाई
छगन के जायदाद के लगभग 3,000 करोड़ ओकरे नाम पे बा। इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश ऐसा कोनो भाषा नहीं कहे जेई ना जानेला। मल्टीनेशनल कंपनीज में छगन के जितना भी इन्वेस्टमेंट बा सब आचार्य के नाम पर बा। तब हथौड़ा हमने के मारे के बा, काहे के लोहा गरम बा। समझला कि आज से हमने के हर कदम बारूद के सुरंग पर बा। हमने के जंग किरी के खिलाफ नहीं खे, जुर्म के खिलाफ बा, सिस्टम के खिलाफ बा, अधिकार के खिलाफ बा, राजनीति के खिलाफ बा। राठौर का भाई, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ड्रग्स के लेन देन चलत गिरी बाग वहां पर। गिरी यहां नहीं थे सर, ड्रग्स सीज करी। नो, जल्दबाजी मत करा, बस उन पर नजर रखा। सर अब गिरीश आ गई बा, वो लोग पर नजर रखा और हमरा के बतावत रहा। ओके सर, वो लोग वैन में निकलत बड़े, खाली गिरीश सिल्वर कलर के क्वालिस में जा रहा बा। सर वो गेट नंबर 10 में एंटर करत बा। आई एम ऑल्सो वेटिंग। सर गिरीश दूसर रूट पर जा रहा बा। तू गिरी के पीछा करा, हम ही गाड़ी के पीछा करा तानी। ओके सर। तू एजे से हमरा के बतावत रहिया। ओके सर। ये क्या करता हूँ? अरे डरा मत। सीमा केहू देख ली? यहाँ केहू नहीं खे, केहू आई भी ना। अच्छा बच्चा लोग से का कहलू तू? बच्चा बाड़े हूँ, राक्षस बाड़े, शैतान बाड़े सब। 10 मिनट भी हम तहरा से अकेले में बात ना कर सके नी। जाने ला हम एगो फैसला कहिले बाड़े। फैसला? वो 8 गो राक्षसन बच्चा के हैंडल करे खाते एक के बार में 8 गो बच्चा पैदा करे के सोचले बानी। इका कोनो मजाक बा? मजाक करे के कहराल बानी। का हो रहा है बारी डर? कुछ नहीं यार, तू ही लोग तो एक्शन खातिर कहले रहला। ऐसे कैसे कैसे ऐसे ऐसे का काहे काहे? अरे देख लेला ना, का करता हूं अब का करबा? वेल डन लीडर, सुपर लीडर। तरह के फसावे के स्कीम बनाव ली हमने। बाकी लव जैसन साधारण चीज से सरेंडर करवा देली। तो लीडर के सामने सरेंडर हो गयी, माने हमने सामने सरेंडर हो गयी। अब से हमने के गैंग में तू हुए गो मेंबर। हमने सब एक बानी ई ना। हमरा के तुम लोग लीडर बना के लैला, केकर जगह लेहल चाहेला? कम से कम मेंबर ता बनावा। लीडर रउआ ओकरा हैंडल करी, हमने एकरा के हैंडल करत आ। ई प्यार नाटक बा? अरे ये लोग के मजाक भाई, हमरा पे भरोसा नहीं के ना? पुलिस वाला बने भरोसा करा ना करना। बेटा नेवा का बा सर? जाके एगो आइसक्रीम ले आवा। हाँ जा जा। ली ही सर। ठीक बा तू जा। डॉक्टर
एक कॉन्फिडेंशियल मैटर बा, केहू के पता ना चले के चाहिए। ई का कहता नहीं कहू बच्चन के? यह तो हमके सकबा, यही से बच्चन के ब्लड टेस्ट करावे के कहता नहीं, केहू के जानकारी के बिना ही सब करे के पड़ी, यहाँ तक कि बच्चा लोग के माए बाप के भी पता ना चले के चाहिए। जांच में डॉक्टर, बच्चन के ब्लड में कोकीन के मात्रा पाई गई बा, ड्रग्स के परसेंटेज ज्यादा बा। सत्या, अबले बहुत से बच्चा लोग के ब्लड टेस्ट हो गई बा, तू जे आइस कैंडी देले रहा ओकरो लैब टेस्ट करवानी, तुहार शक सही निकलल, आइस कैंडी में ड्रग मिलल बा। इस तरह के आइस कैंडी बेचे वाला ना जाने कितना स्कूल के पास हुई है। डॉक्टर, शहर के कौन स्कूल के मत छोड़ी, हर स्कूल में ब्लड टेस्ट करवाएं, राव डीन से बात करके हम इंतजाम करवाता नहीं। मोहन, यस सर। आइस कैंडी बेचे वाला हर गाड़ी के सीज कर दा, आइस कैंडी बेचे वाला केहू भी होके पकड़ के अंदर डाल दा, अरेस्ट करला सबके, मार के छुट्टी उड़ा दा। हेलो डॉक्टर, का देखला सत्या, लड़का लोग के इंजेक्शन देवे में भी हमनी के डर लगेला, और ये शैतान लोग ये लोग के जिंदगी से खिलवाड़ करत आरन, खून में ड्रग के मात्रा थोड़ा भी बढ़ जाए तो जान के खतरा हो सकत रहे, सोच के ही डर लगा था। अंकल, हमरा के ता कुछ नहीं के भइल, पर हमरा के काहे लटौले बाड़े? कुछ ना बेटा, ए हमार नशा वाला आइस कैंडी शहर के सब स्कूल में सुपर हिट हो गई बा। उलो के छोड़िया मत सत्या, छोड़िया मत। ए रुक जा, कोकीन जैसन ड्रग्स के छोट छोट बच्चा के आइस कैंडी में मिला के खिलावत आ रहे। एसीपी, गिरी के सामने भोके वाला के गिरी जिंदा ना छोड़ेला, गिरी के सामने भोके वाला के गिरी जिंदा ना छोड़ेला, जान प्यारा बात भाग जो यहाँ से। कह देना ना भैया, चल फुट ले यहाँ से। Ah!
बच्चों को बेची गई ड्रग मिली आइस कैंडी। मोहम्मद, अजीज और राकेश की आइस फैक्ट्री से बनकर मार्केट में आई है, ये साबित हो चुका है। इस मुकदमे में इल्जाम लगाए हुए गिरी ब्याज पर पैसा देने का धंधा करते हैं। अपने पैसों की वसूली के लिए ही वो उस फैक्ट्री में गए हैं, ये बात भी गवाही से साबित हो चुकी है। लिहाजा ये अदालत गिरी को बाइज्जत मरी करती है। गिरी को बाइज्जत मरी करती है। वो हमरा के इतना मरलस कि पूरा बदन में दर्द हो रहल बा। ई दर्द हम मरते दम तक ना भुला पाइब, और अगर भुलावे के होई तो ओकरा टपकावे के पड़ी। ए चुप हो जो, आपन जज्बातन पर काबू रखा। हमरो अंदर शोला बा, बाकी ई बखत हम ओके भड़के ना दे सकीला। ना तो हम ऊ पुरान ऑफिसर के जिंदा थोड़े ना रह देती। ऊ तीनों मंत्री के ऊ नहीं खे मारल ऐसन बयान देले बा, बाकी हम ना मानीला। जरूर उहे मारले बा। चार लोग के जेल भेज के ओकर किस्सा उन्हें खत्म कर देती, ऐसन काहे न कैली। सीएम के कुर्सी अब तक हमरा के बांध के रखले बा, अब हॉस्पिटल में पड़ल सीएम के कान तक हमरा बारे में एको गलत बात ना पहुंचे चाही। मरे वाला तीनों मंत्रियन के क्षेत्र में उपचुनाव आवे वाला बा। ई उपचुनाव में हमनी के पार्टी के मिलल वाला जीत ही काल हम हर मंत्री बने के पहला शुरुआत हुई। जेब कतरा चोर बिना हेडलाइट के गाड़ी वाला और बिना लाइसेंस वाला के ढूंढ के पकड़े ले। जे आइसक्रीम बच्चा लोग खाए ले उन्हें ड्रग्स मिला के बेच ले। ई लोग के हम कुछ न कर पाई ली। शिट, ई कानून कौन काम के सर? रहुआ का है सत्र, एगो सियासत वाला हमनी पर हंसे, यहाँ तक कि पब्लिक भी हमनी पर हंस सकेला, बाकी रहुआ का है हंसली बताई। कुछ साल में रहुआ सर्विस से रिटायर हो जाए, खुशी खुशी खा पी के चैन की नींद सुतला से पहले आज सही से फर्ज निभौली कि ना ये एहसास रहुआ के एक दिन भी भइल बा बताई। हमरा के यहाँ चोट लगेला, रहुआ के ना लगेला? हमरा काहे लगी सर, काहे? पहले बेर जबरदी पहले रही तो हमहू रही सर।
हमनी शमशान में जलत मुर्दा जैसन बानी, मुर्दा जैसन। हमनी उठे लगली तो हमनी के मार के दबा देवे ले। मारा थी दब काहे जाएली? कितना बार उठे के कोशिश कईले बानी रहुआ। एक बार गुस्सा के साथ मुजरिम से आंख मिलाई, ओकर आंख में डर नजर आई, ओकरा तरफ एक कदम बढ़ाई, ऊ दू कदम पीछे हटी। बाकी ई सब हमनी के ना करब, बताई काहे? ओकरा पीछे जौन पावर बा ओकरा से हमनी डराय ली। हार माने में हम कहता नहीं कोनो बुराई नहीं के, बाकी कहां काहे और कैसे हार ली ई मायने रखेला। हमने हार ना माना, जब ई गुंडा लोग खेल खेल सकेलन तो हमने काहे ना खेल सकेली। देखता नहीं हम पुलिस वाला जीते ली या राजनीति। माई की बतौले बिना चल गई रहा बेचारी आंटी, वॉकिंग स्टिक के बिना बड़ परेशान रही। अच्छा भइल जे तारा से मिले खातिर हम यहाँ चल आईले। थैंक्स सीमा। हे, तू खाना खाइला? गुड मॉर्निंग सर। बोले सिर्फ अपना स्टेट के ना, आसपास के सब स्टेट के लड़का दल बनी वो जरूर पकड़ा जाए सर। हम कैसा बुझाता कि ये सब प्री प्लान किडनैपिंग है सर। डीजीपी 5 मिनट बाहर वेट करा सर। बोले नहीं ना 5 मिनट बाहर इंतजार करा, बुलाए। ए नेताजी, डीजीपी यह कहले हुई है ना कि सब स्टेशन पर खबर कर दे लेवाने, वो जल्दी मिल जाए। कैसे मिली? अगर उठाए वाला पुलिस होके तब, वो भी एसीपी सत्या होके तब। जब तू विपक्ष में रहला तब हम तुहार आदमी हैं ये जान के केहू हमरा पर हाथ ना रखत रहे। अब तू सत्ता में बड़ा और ये बात तू जानेला, जान के ही हमके अंदर कैलस ना। कल हम आज आचार्य और कल वही दिन कहले ओकरा टपका देता नहीं, लेकिन तू हमरा के रोकला। ओकरा सिवा कोई पुलिस वाला में दम नहीं है कि आचार्य के उठा लेवे। काहे फिकर करत आड़ा? फिकर छोड़ दे, इत्मीनान से रहने ता। ए बुड़बक, आके फिकर कैसे ना करी? एगो राजनेता, पब्लिक, प्रेस, पुलिस, इंक्वायरी कमीशन, इतने ना सीएम, हाँ सीएम तक से डरे के कोनो जरूरत नहीं थे। बाकी अपन आचार्य जैसन से डरे के पड़ेला, काहे कि ऐसन लोग ही बेनामी 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 बाड़े। राजनीति में इतना साल के कमाई के जियत जागत सबूत बाड़े। बाप रे बाप रे, अगर वो चाहलस तो हमार पूरा प्रॉपर्टी के 70 mm में दिखा सकेला। हमरा के काहे पकड़ ले बाड़े? क्या ये सब तोहर करतूत बा? तू जानत नहीं कि हम के बानी? हम केहू चोरू चका नहीं जे के हवालत में डाल सका। बाहर एकर पता लग जाई त खाली शहर में ना पूरा देश में तबाही मच जाई। ए मंगू दादा। व्हाट, हु द हेल इज दिस मंगू दादा? आचार्य यू क्रेजी कॉप। मंगू परमार सना प्यारे लाल माई के नाम रुकमणी गांव अलीबाग जन्म भइल 6666 के। 5 साल की उम्र में तू अपन बाप के पैसा चुरावला, 10 साल की उम्र में तू इन्हें उन्हें हाथ मारे लगला, 20 साल में रियल एस्टेट में घुस गईला, सरकारी बंजर जमीन हड़पे खातिर तू नकली कागजात बनावला, ओकरा बारे में पूछताछ करे वाला के सिर उड़ा देला, आज तक तेरा हाथ से मरे वालन के संख्या वा 16। मिनिस्टर के सपोर्ट मिलला के बाद कोनो FIR तारा तक ना पहुंच पाइल। नाली के कीड़ा अंग्रेजी में अपना आपके आचार्य बोलेला। हाईटेक से फ्रॉड करे की टेक्नोलॉजी, विदेश में इन्वेस्ट करके काला कमाई करेला, इस सब काला काम करके मिनिस्टर छगन यादव के बेनामी बन गईला। काहे जग गईला? ये ढेर बा क्या और को सुने के चाहता रहा? द मिस्टर
मंगू परमार उर्फ आचार्य। नाम रखे वाला माई बाप भूल सकेलन, बाकी पुलिस कबो ना भूले ली। यू क्रेजी क्रिमिनल। अपन इमेज बदले खातिर तू अखबार में 5x5 सेंटीमीटर के इतना सा एड दे ले रहला ना। आज के बाद हमारा नाम मंगू पर मारना आचार्य बा, याद बा? हाँ तू सही कहले रहला, देश के पूरा पुलिस स्टेशन में हलचल मचा के हिला के रख दे ले बाला। बाकी केहू ना चीनी, कहे कि मिनिस्टर और पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढ रहल बा उ आचार्य के। बाकी हम जेके पकड़ ले बानी उबा मंगू परमार। हाँ, नामे तहार यमराज बन गए ना मंगू दादा। सत्या सर, होम मिनिस्टर रुवा से मिलल चाहे ले। जा 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 वहां कैला पर पता चली सत्या कि हम मंगू दादा बानी की आचार्य। हमरा के तो बचा ली है, बाकी तोहरा के। सर पता ना ऊ के रहे खामखा, मंत्री की अनुमति के बिना सामने बैठे के ना चाही ई जानेला। आवते सैल्यूट करे के बा ई हो तू जानेला। तू सैल्यूट मारेला ना, काऊ सैल्यूट ए नहीं खे कहत कि तू हमार अंडर में बड़े। काहे शराफत से पेश ना आवेला आए। सत्या तू अब ले एगो एसीपी बाड़ा, तोहरा ऊपर कमिश्नर एडीजीपी एजीपी ई बा तोहार पुलिस डिपार्टमेंट, और ऊ पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर हम बानी यहाँ के होम मिनिस्टर। हमरा ऊपर सीएम गवर्नर और पीएम, और हमनी सबके ऊपर राष्ट्रपति। कितना पावर बा, कितना नेटवर्क। अब तू अपन औकात के बारे में सोचा? छी मच्छर जैसन इतने सुबाड़े तू जानेला? ना 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 ना, ना। आजकल तोरा जैसन पुलिस वालन के चर्बी बहुते चढ़ गई बा। हमरा से आंख मिचौली खेलत बड़ा? एगो आचार्य के पकड़े से हमार कुर्सी छिन जाई, सत्ता गिर जाई। हमरा डरावे चाहे ले, हम नहीं खे डरे वाला। करोड़ों के जायदाद चल जाई सोच के घबरा गई रही। ऊ सब एक दिन के टेंशन रहे, पगला कहीं का। 5 पीढ़ी तक गुजारा करे खातिर हम 5 मिनट में कमा सकीला। उ तोहरा सामने कुछ उगल देलस, अगर हमरा के अंदर जाए पड़ल ता जैसे ही आचार्य हमार हाथ लगी हम अपना हाथे ओकर काम तमाम कर दे। ए, सुना असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, हमनी जैसन राजनेता खातिर तू लोग हमेशा वर्दी पहन ले गुंडा बाड़ा। खड़ा रह कहली तो खड़ा रहबे, खून करा कहब तो खून करबे। ओकरा पर एनकाउंटर के मोहर लगाइबे। चंदू यादव, राजेश भैया, कमलू श्रीवास्तव, छोटा रकीब, ई लोग के तरह बाड़े तू हूँ। सत्या IPS, that's all। कहा देखा तड़े मामू? अरे तू ही बोले रहा ना कि हम गुंडा बानी, तब भला एक गुंडा तरह के खाहे खातिर इज्जत दी? हम खाली असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बानी। हमरा ऊपर तू बोल रहा ना कमिश्नर, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, ये सब बाड़न बराबर बा। बाकी सबके बाप तो तू भूलिया गईला। भूल गईला मामू? 5 साल में एक बार तू भीख मांगेला ना, वोट के भीख। कहीं तो हमने के पब्लिक मामू। अरे तू काहे बोला तड़ा कि आचार्य के हम पकड़ ले बानी? अगर वो सरा हमार हाथ में रहित ना तो हम ओकरा के सीधे कोर्ट में ले जाती, और तू मंत्रालय में ना रहत, आर्थर रोड में रहत। हमरा ऊपर 100 अफसर हो सकेले, बाकी यदि हम ना रहब तो तारा कंधा पे सर ना रही। आपन काम चलला के बाद ही हमी खाकी वर्दी पहन ले बानी। कहा ना जानी ले कि केकर कैसे वाट लगावे के बा और कैसे टपकावे के बा? मिनिस्टर साहब हम अच्छा खातिर अच्छा बानी और बुरा खातिर बुरा बानी। वो चाहे बटुआ मारे वाला पिक पॉकेट होके, चाहे पब्लिक के लूटे वाला रउआ जैसन सियासी नेता ही काहे ना होके, फर्क ई बा कि ओकरा हाथ में ब्लेड बा और राउर हाथ में बेनामी। राउर फेगल टुकड़ा पे पले वाला राउर चमचा लोके खाली राउर जाति बात के मालूम बा,
बाकी हमरा जैसन सरकारी गुंडा के रउआ जैसन दरिंदा के कैसे कोनो तरह मारे के बा इ तौर तरीका भी मालूम बा। हमरा जैसन पुलिस ऑफिसर से राउर कबो पाला न पड़ल हुए। सत्य आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। सुन ले लेना तुहार बाप का कालस। अरे तू तो कहत रहे कि तुहरा पकड़े से पूरा का पूरा देश में तबाही मच जाए। अब तो के मंगू परमार बन के मरे की जरूरत नहीं के। आचार्य के ही धूमधाम से वो मिनिस्टर ऊपर भेजे वाला बा। खुद फैसला कर ला, मर बे कि सरेंडर कर बे। ए गिरी, आचार्य के अगवा करे वाला वो एसीपी ही बा। हम पहले ही कहले रहले ना गिरी, आचार्य के सच्चाई उगले से पहले ही ओके मरे के होई। वो जरूर मर जाए नेताजी, तू बिल्कुल चिंता मत करा। वो आचार्य के हम अपना हाथे मारब और वो एसीपी सत्या के भी हम ओजे टपका देब। तू फिकर मत करा। ए गाड़ी घुमाओ, एसीपी सत्या के घरे चल। की बड़े तू लोग का है हाल बड़ा, बताओ ना का है हाल बड़ा। सत्या यहाँ नहीं के के बड़े तू लोग कहाँ बा तोर बेटा? आचार्य को कहाँ छुपा ले बा? अंदर क्यों नहीं है भाई? भाई फोन कौन है बे? मंगल सत्याचार्य के लेके गांधी रोड से जा रहा है। ये बात बा, अच्छा गांधी रोड से जाता? हाँ भाई, जरूर कोर्ट लेके जा रहा है। भैया के टपका दे। ए गिरी, पैसा कीमती ना, पदवी पदवी कीमती बा। चाहे कितना हूं लाश भी जाए, आचार्य के बच्चा अदालत तक ना पहुंचे।
हम हत्या देखा। नीचे झुक जा आचार्य। आचार्य तू ठीक बोला ना? आचार्य आर यू ओके? आर यू ओके? आई एम नॉट ओके, गेट मी इन द कोर्ट। जल्दी करा सत्या, जल्दी करा प्लीज। डोंट वरी आचार्य, बाहर आवा। सवार क्या आवा, आवा। आचार्य जल्दी से हमारा कोर्ट ले चला।
आचार्य के मरले तू बाकी जेल गई सत्या काय नाम चाहिए बोल बोल ना, अरे शर्मा मत बोल ना जे भी मांगबे मिली। एमएलए सीट चाहिए हमके। कबो न कबो हमारे एनकाउंटर हो जाए नेताजी, राजनेता बन जाए था, वो भी एमएलए बन जाए था। हाँ, एमएलए बन के भी हम गुंडा ही रहा नेताजी, तब हम खद्दर पहने वाला गुंडा, सीएम तू ही रहा नेताजी, एक भी एमएलए के तोहरा खिलाफ आवाज ना उठावे दे, पूरा जिंदगी तू ही सीएम बनल रहा नेताजी। हम सीएम और तू एमएलए कैसा अनर्थ हो गई सर, रुवा तो हर काम कानून के दायरे में रह के करत रही, बाकी रूहे कानून आज बेकसूर होला के बावजूद रुवा कटघरा में खड़ा कर दिलस, रुवा माई के साथ साथ कानून भी मर गई बा, कानून भी मर गई बा। वेलकम माय बॉय, वेलकम, हम जानत रही कि तू ऐजे बा, कतना ईमानदारी से कानून के रट लगात रहले तू, अब देख लेला तो हर कानून तोहरा के अनाथ बना के कहां लाके खड़ा कर देलस, के ना जाने ला कि तू ईमानदार बाड़ा, सस्पेंड करे वाला डीजीपी ना जाने ले, रिमांड पर भेजे वाला जज ना जाने, तोहरा पर इल्जाम लगावे वाला वकील ऊ ना जानत रहे या मीडिया ना जानत रही, देश के बच्चा बच्चा जाने ला कि तू एगो ईमानदार ऑफिसर बाड़ा। हाँ, नमस्ते एक्सएसीपी, काहे पहचान ला हमके, तुहार गुस्सा देख के पता चला था कि तू हमके पहचान लेला। गिरीश यादव कैसन बा हमार नाम, अब के इलेक्शन में खड़ा हो रहल बानी ना काल रामलीला मैदान में होखे वाला महासभा में मंत्री छगन यादव अपन भाई गिरीश यादव के उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर रहल बाड़न, अगर हम चुनाव जीत गयी तो गुंडागिरी
एमएलए बन जाई। ओकरा बाद माननीय गिरीश यादव, ओकरा भी बाद डॉक्टर गिरीश यादव इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोल के खूब माल कमाई। हमार ऐसे सफेद कपड़ा पहन के शरीफ बने के कारण तू ही बड़ा भाई, यही से सीधा तोहरे पास आईली। ए हवलदार, हमरा राजनीति में आवे के खुशी में सबके हमरा तरफ से बिरयानी खिया हुआ, ऐसे का देखा तारा जेले हमार जन्मभूमि है। नेताजी कल हम रिहा होए वाला बानी, पूरा शहर में तोहार बड़ बड़ कटआउट लगाई। हाँ। एक एक वोट ना, सौ सौ वोट डाला। हाँ, लगाई है जरूर लगाई है। चला रे ऐसन लगाई कि तू कबो न भूलबे। सत्या सुन लेला ना, अब बतावा पुलिस वाला गुंडा बने एहमे का खराबी बा? 12 साल के उम्र में हमार बात के वेद वाक्य मान लेला, अब जोन हमरा पे गुजरल बतावतानी काहे नहीं खेमानत? हारल पुलिस वाला यही हमरा के कहले रह लेना, अब तनी सोच के देखा है हारल तू बाड़ा या हम। डर होवे के चाहिए, गुनाह कैला पर सजा मिली ई बात के डर होवे के चाहिए। हर एक गुनहगार डरी, हर एक मुजरिम डरी। देखला जानीला, हम बेवजह जेल में जाके ओकर खिंचाई करके भी आ गए नी। वो महासभा में कुछ करी था ना, डीजीपी आज के महासभा में हमार चेला के यानी गिरीश यादव के जनता के सामने पेश करे जा रहल बानी। बहुते अहम सभा बाई, ई महासभा के हमार सीएम बने से गहरा संबंध बा। एमे ऊ एसीपी सत्या कोनो अड़चन ना डाले, पूरा पुलिस प्रोटेक्शन दा, हमार जानकारी के बिना हवा भी अंदर ना आवे चाही। ऊ एसीपी सत्या के जेल तुड़ के फरार होके के खबर सब चैनल पर फ्लैशेज बना दा। ऊ कमीना हमनी पर हमला करे के कोशिश करी, ओकरो से हमनी के फायदा उठावे के बाय से ई महासभा के लाइव टेलीकास्ट करा ताकि पूरा देश देख सके। पब्लिक में बनल ओकर इमेज के माटी में मिलावे के बा। ई सब देख के जनता हमरा के वोट दी। आदरणीय माई और बुजुर्ग लोग, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चा लोग, रउआ सभन के हमार सप्रेम नमस्कार। आज ले रउआ सब हमरा के अपन बेटा मान ली, राउरी एहसान हम कैसे चुकाए। ऐसे आज हम अपन छोट भाई नहीं राउर दूसर बेटा गिरीश यादव के राउर सेवा में समर्पित करत बानी। हम एकरा बारे में ज्यादा न कहब, बाकी इतना जरूर कहब कि गिरीश यादव नारी जाति के जन्म देवे वाला सगी माई या सगी बहन मान के इज्जत देवे वाला महान सपूत बा। राउर चुनाव क्षेत्र से इनका के उम्मीदवार के रूप में पेश करना खाली हमरा खातिर बल्कि हमार पार्टी खातिर बहुत गर्व के बात बा। रउआ लोगों से मिले में कितना रुकावट आई, मौत के धमकी तक दी हल गई, कहां घबराई कबो ना, काहे की घबराहट हमार खून में नहीं खे। एगो एसीपी बा जेकर नाम बा सत्या, आज ले ओकर शकल तक हम नहीं की देखले, हमरा के मारे के धमकी देले बा। अरे हम काहे डरब, चाहे केहू भी होवे सामने से मुकाबला करब। ए सत्या हिम्मत बा तो आजो, आज फैसला हो जाए। हमार जनता ज्वालामुखी जैसन बाड़ी, ऊ तोहरा के जला के राख कर दी, आजो।
सब अपन हथियार फेंक दा, फेंक दा। ए हथियार फेंकेंगे कहाँ? हथियार फेंकेंगे? सब हथियार फेंक दा। हम कहता नहीं, हथियार फेंक दा। अरे फेंक दा हथियार। All guns down, सत्या। एक अंजाम जाने ला तू? जाने ला? जान के ही करता नहीं। हम अपन नौकरी खो देली, इज्जत खो देली, जिंदगी खो देली, अनाथ बन के खड़ा बनी यहाँ। जब खाकी वर्दी दागा निकल, हमरा खातिर पैसा ही सब कुछ बा। हमरा के सहना चाहिए, देश भी ना चाहिए। हमरा के एक दस करोड़ चाहिए, एक दस करोड़ चाहिए, कुल मिला के 20 करोड़ चाहिए हमरा के। सत्या, तोहरा के पता बा तू का कर रहल बाड़े? पगला गइल बाड़े का? इतना गुस्सा में बा और तू बहस करके भड़कावत बाड़े? सत्या, सरकार से बात कैला के बाद ही फैसला लेल जाई। ओकरा खातिर समय नहीं के? काहे काहे एकरा पास नहीं के? एकरा पास नहीं के? फैसला में खातिर बोला? अरे ई हम मरत आनी और तू लोग बातचीत के बात करत आले। ई सब अभी के अभी होई। सरकार से ना चाही, हम अपन पैसा दे दे। ए जितना पैसा मांगत आ जल्दी से लाके दे दे घर से। जा जल्दी ला, जल्दी ला, जा बोला तू बोला। अरे जल्दी जा। ए, के कर पाप के फल भाई। के कर पाप भाई को कर आल तक छक्का मार देलस। सोली बहुत कभी ना के कर पाप के माल भाई। बतावाना पूरा महीना काम करके 10,000 रुपया जोड़े खातिर कितना मेहनत करे के पड़ेला? नहीं के कर पाप के माल बा। 5 करोड़ के पगार के 50 लाख मांगे से सरकार हिल जा रहा ना। बाकी यहाँ मांगे में 10 मिनट भी ना लागल और 10 करोड़िया 10 करोड़िया और गोली चलाओ ली था सब देखा। रुपया होते रहिए का वाट लगाई ले बा। तू का पैदाइशी करोड़पति मारे या जमींदार मारे तो हर पाप का बिल गेट बा या अंबानी बा। केकर पाप के माल भाई। पूछा जाता बताओ ना। यहाँ एक पासपोर्ट आसानी से ना मिलेला। नाम का बा बाप के नाम का बा हजारों सवाल पूछा जाला। इंक्वायरी करे खातिर घर में पुलिस आ जाला। बाकी लोग इंक्वायरी क्या करी? इस सब के कारण हमने जैसन पुलिस वाला बालन इचौन खड़ा बना। गिरीश यादव एकरा के तू लोग न जाने लगा। ड्रग्स बेचे वाला दरिंदा भाई और तन के रख के धंधा करे वाला भड़वा भाई। अब नारी जात हमार माई बहन बा कह के हाथ छोड़ा। तू लोग तमाशा देख के चुपचाप खड़ा बड़ा शर्म नहीं क्या? बच्चा लोग के आइस कैंडी में ड्रग्स मिलावे वाला चल्लर कोई मित्र है भाई। दिन मंत्री के बात न सुन के हाथ पैर तोड़ के अंदर डाल देती ताज ही तरह यहाँ खड़ा रही। एकरा के सलाम करे आयल बालन डीजीपी एडीजीपी कांस्टेबल थू। अपन नाकाबिलियत पे पर्दा डाल के कानून मर गल भगवान मर गल कहे वाला डिपार्टमेंट में बहुत सारा लोग घूम रहा बालन। उनका की शर्म ना आवेला? गुंडागर्दी कर समय ही पकड़ जाए तो एकरा पे सख्ती कई जा सकत रहे। बाकी कल यो एकरे जैसन एमएलए या मंत्री बन जाए तो एकर तहकीकात खातिर स्पेशल कोर्ट इंक्वायरी कमीशन हायर ऑफिसर वीआईपी ट्रीटमेंट थू। कमीशन से ना चली गन पॉइंट बढ़िया बा। एक गुंडा के पेश करे वाला ई जोन मंत्री बाना ये कौन भाई? तू लोग ना जानेला? ना जानेला बोल बतावा सब केहू के? नेताजी पहले चूना भट्टी में नकली दारू बनावे के धंधा करत रहलन, बाद में राजनीति में आ गेलन। आगे कितना कमाउले बा? बोल। अब बताओ तानी 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ वो सब कहाँ बा? बोल। वो सब आचार्य के नाम पे रहल। काहे की आचार्य ही नेताजी के वारिस रहल। आचार्य के अब का भइल? बोल का भइल ओकरा के? आचार्य के मारल ओकरा के? बोला एक दिन आप आचार्य के पकड़ ले ली। कहीं पूरा सच्चाई सबके पता न चल जाए ये डर नेताजी के रहे। यही से यही से
का? बताओ तनी, बताओ तनी। नेताजी ओकरा मारे के हुकुम देलन और हम ही ओकरा के मर लिए। बस इतने इतने बताओ, बताओ और बताओ। नेताजी, नेताजी सीएम बनल चाहत रहल, यही से बीच में रुकावट बने वाला है। वो तीनों मंत्री के मारे खातिर कहला हम कर इंतजाम भी के लिए, लेकिन ओकरा से पहले केहू और उन लोग के मार देला। सुन ले रहो, सुन ले ली। ई मुजरम के बचावे के चक्कर में हमरा के मुजरम बनावल गए। हम पुलिस वाला बने, मामूली पुलिस वाला। इतना पढ़ाई के बाद कौन एसी दफ्तर में 40,000 के नौकरी 9 से 6 के आराम से मिल जाए। बाकी अब ना कह ली, 12,000 में 24 घंटा के पुलिस के नौकरी करे के फैसला कह ली। पुलिस के वर्दी को नशा रहे हमरा खातिर, पुलिस वाला बने के चाहत हमरा अंदर के जज्बात रहे। का बोलत रहे सत्या आईपीएस की तू अपना भवो पुलिस वाला जैसन समझेला का? पुलिस वाला लोग तेरा जैसन वर्दी वाला गुंडा बाड़न। जनता के हिफाजत करे खातिर देवे वाला ई वर्दी के, ई वजूद के, यूनिफॉर्म के सड़क छाप गुंडा के पहला दे रहे तू। एगो खूनी होम मिनिस्टर, गुंडागर्दी करे वालन के हाथ में कानून और व्यवस्था, ता कानून जिंदा कैसे रही? रहुआ एक साल में रिटायर होके वाला बनी, रहुआ नहीं जाने ले ये लोग अपराधी बाड़न? ये जान के भी राउर हाथ कैसे उठेला इन लोग के सलाम करे खातिर? कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, मिनिस्टर, गवर्नमेंट, ये सब हमनी के हाथ बांधे खातिर बा। रउआ जनता बानी, रउआ के हाथ बांधे के ताकत कौन में बा? रउए बानी सबसे बड़ा सुपीरियर ताकत, रउरे अदालत बा, रउरे फैसला सबसे बड़ बा। एक जौन कहला वो कंप्लेंट बा, सब मिलके कहलन ता वो हुकुम बा, सरकार के मानिए के पड़ी। ठीक बा, मुकाबला हम कह ले रहे, ये लोग हमरा के मार सकत रहे। बाकी हमार माई के काहे मार दे रही लोग, उनका बिगड़ ले रही इनका। हमरा कैसे पागल बनावे वाला ये कुकर लोग के साथ का कहल जाओ, का कहल जाओ, का कहल जाओ? कैनकरा के मारे से सब कुछ बदल जाए? बोली, सब कुछ बदल जाएगा? कितना छगन, कितना गिरी, कितना आचार्य, 100-200 हजार आते रही है पॉलिटिक्स में, हर केहू के मारल मुमकिन बा? अभी हम ये हथियार उठा ले बानी तैनकरा मारे खातिर ना, एक कमीना लोग के, रउआ लोग के सामने लावे खातिर। यो पुलिस के हैसियत से हमार लाइव इंट्रोगेशन बा, डरे के होई, जैसे लोग भगवान से डराए ले वैसे ही कानून से भी डराए के होई, जनता सजा दी बात से डरे के होई। एको आदमी के काम नहीं खेई, तू सब के करे के होई, हरेक के करे के होई, एक काम करे वालन के हर केहू के साथ देवे के होई। और ऐसा हो गए ऐसा कुकर पैदा हुई है, मारल ही इलाज बा तब पूरा देश शमशान बन जाए। ये तो कर पा आउट कर भी का सकेला, केहू आवाज उठेला ये तो कर पा। तू लोग माई के ना बचा पावे वाला एगो बेटा की हैसियत से हम हारल बाने, बाकी एगो पुलिस वाला की हैसियत से हम हारल नहीं की और ना ही हारा हम। तू गवाह ना होके की वजह से बच गई रहला ना, अब लाखों लोग का वहां बाड़न, लाखों लोग का वहां बाड़न, पूरा देश का वहां बा। अब देख पता नहीं कि हमार कानून अब कैसे हारेला, कानून ना मरेला।
नमस्कार, मुख्य समाचार। मंत्री छगन यादव और गिरीश यादव के गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिहल गईल बा। मंत्री छगन यादव के जे मंत्री पद के दागदार कईले बाड़े, जनता की भावना से खेलले और खाकी के दुरुपयोग कईले बाड़े, उनकरा के सख्त से सख्त सजा दिहल जाए। मंत्री छगन यादव और गिरीश यादव के फौरन गिरफ्तार कईके और उनकरा पर सख्त कार्रवाई करे के हम पहले ही आदेश दे देले बानी। और मंत्री छगन यादव के न सिर्फ आपन मंत्रिमंडल से बल्कि दल के प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कईला के आदेश हम दे देले बानी।